हेलो गाइस, हम फिर से आ गए हैं लेके टीसीएस एनक्यूटी का एक और क्वेश्चन जो कि हमारे 2023 के सितंबर के स्लॉट वन में आया था। तो जल्दी से चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को एंड देखते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली बात कर लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। गिवन अ स्ट्रिंग एज इनपुट कंसिस्टिंग ऑफ स्टार एंड हैश, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल एंड द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टार्स और हैश टू मेक इट अ वैलिड स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड वैलिड इफ द नंबर ऑफ स्टार एंड हैश आर इक्वल एंड द स्टार एंड हैश कैन बी एट एनी पोजिशन इन द स्ट्रिंग। सो बेसिकली दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को रीड कर पाए। मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग होने वाली है जिसमें होंगे स्टार और हैश, और जो लेंथ होगी वो स्ट्रिंग की वो कुछ भी हो सकती है। एंड हमारा जो टास्क रहने वाला है वो ये रहना है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टार या फिर हैश फाइंड करने हैं ताकि हम इस स्ट्रिंग को एक वैलिड स्ट्रिंग बना सकें। इसने यहाँ पर नीचे एक और कंडीशन दे दी है कि अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को वैलिड स्ट्रिंग बनाना है तो उस केस में उसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टार और हैश होनी चाहिए। और एक और कंडीशन ये देता है कि स्टार और हैश किसी भी पोजीशन और किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। यहाँ पर एक नोट है जिसमें बताया है कि जो आपका आउटपुट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इनने फर्स्ट केस में लिखा हुआ है कि अगर स्टार का काउंट ग्रेटर होगा हैश के काउंट से, उस केस में जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर, और अगर हैश का काउंट ग्रेटर देन होगा स्टार के काउंट से, उस केस में आपका आना चाहिए एक नेगेटिव इंटीजर, और अगर दोनों ही इक्वल होंगे उस केस में आपका आंसर आना चाहिए जीरो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक इनपुट दिया हुआ है एक स्ट्रिंग का। तो इस इनपुट में आप देख सकते हैं कि तीन हैश है और तीन स्टार है। तो ये वैल्यू ऑफ एस यानी इस वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग है, एंड जो इसका आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है जीरो, क्योंकि देख सकते हैं आप इक्वल नंबर ऑफ हैशेस हैं एंड इक्वल नंबर ऑफ स्टार्स हैं। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग लेनी है लाइक दिस, एंड बस आपको उसे ट्रेवर्स करना है एंड उसमें नंबर ऑफ हैश एज वेल एज नंबर ऑफ स्टार को काउंट कर लेना। आपने एक बार नंबर ऑफ हैशेस को काउंट कर लिया और नंबर ऑफ स्टार्स को काउंट कर लिया, तो आपको बस उसे सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अब अगर आप काउंट ऑफ स्टार माइनस काउंट ऑफ हैश करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वही हमारा रियल आउटपुट रहने वाला है। इस केस में अगर आप देखेंगे हैश 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 यानी हैश का काउंट हो गया 3, स्टार 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 का काउंट हो गया 3, तो हैश 3 माइनस 3 आपका आ गया 0। सिमिलरली अगर आपका स्टार का काउंट ग्रेटर देन होगा हैश के काउंट से, तो उस केस में हमने क्या लिया है, हमने लिया है आपका काउंट ऑफ स्टार पहले लिया एंड काउंट ऑफ हैश उसके बाद लिया है। तो बेसिकली अगर आपका स्टार का काउंट ग्रेटर रहने वाला है हैश से तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, एंड अगर आपका हैश का काउंट ग्रेटर होगा स्टार से तो उस केस में आपको नेगेटिव ही मिलेगा, एंड अगर दोनों इक्वल होंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका कोड किस तरीके से रहने वाला है। ये बेसिकली C++ में कोड किया गया है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस कोड को देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।